सो हाय गाइस मैं चमरसित यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो भाई मैं आज आपके सामने गाड़ी लेके आया हूं अपनी निशान की तरफ से आने वाली मैगनाइट का एक्सल वेरिएंट फुल रिव्यू शेयर करूंगा प्राइस बता दूंगा एंड में उसके लिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है एंड पूरा रिव्यू शेयर करता हूँ मैं अच्छे से आपको ताकि कोई दिक्कत भी ना हो आप चैनल पे विजिट भी कर सकते हो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फिलहाल अभी स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी का सबसे पहले तो आपको चाबी कुछ ऐसी मिलती है ऊपर अनलॉक नीचे लॉक एंड अनलॉक लॉक करते टाइम आपको कोई भी साउंड नहीं मिलती बस इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं सिंगल यूनिट आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती है यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पे आपको क्रोम मिलता है ऐसे बाहर से डीआरएल लगवा रखे हैं ग्रिल पे आपको क्रोम मिल जाता है निशान का अच्छा सा लोगो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाती है बाकी ये ब्लैक कलर दिखा रहा हूं मैं इसका एंड रेड स्ट्रिप देखोगे आप इसमें वो थोड़ी बाहर से लगवा रखी है ऐसे एक्सेसरी के टाइप साइड लुक आते साइड लुक अपनी कुछ ऐसी हो गई और आपने एक चीज़ नोटिस करना है ब्लैक कलर है ना इसकी क्लैडिंग देखो मैच हो रही है गाड़ी से एकदम तो वो थोड़ी मैट ब्लैक में हो गई ये शाइनी शाइनी से हो गया तो, तो मैच भी कर रही है ज़्यादा दिख भी नहीं रही रो बाकी साइड पर बढ़ते हैं यहाँ आप पर आपको निशान मैग के थोड़े नया ट्रेंड मिल जाता है और ओ आर बी एम पर इंडिकेटर बाकी व्हील कवर मिल जाता है आपको उसमें टायर साइज है इसका 195 60 आर 16 का टायर साइज मिल जाता है बाकी गाड़ी एकदम बेस्ट है भाई अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाती है विड तो आपको गाड़ी की सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी एट एम एम की मिल जाती है बाकी क्लैडिंग देखो सिल्वर टोन में अच्छी मैच करती है ऐसी जैसे रेड स्ट्रैप है ना ऐसी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं बाहर से लगवा रही है बाकी स्पॉइलर अपना कुछ ऐसे मिल जाता है और ये देखो भाई राइट साइड में आपको फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी कैपेसिटी है फोर्टी लीटर्स के लगभग बैग लुक अपनी कुछ ऐसी है स्पॉइलर मिल जाता है आपको गाड़ी में अच्छा खासा चौड़ा हाई माउंट स्टोप लैंप डिफोगर विद वाइपर भी मिल जाता है आपको इसमें यहाँ पे निशान एंड मैग्नेट का लोगो काफ़ी अच्छी लगती है पीछे से एंड आगे से दोनों ही लगा लो एल आपको टेल लाइट मिल जाती है सी टाइप में बाकी चार पार्किंग सेंसर आते हैं इसमें और ये कैमरा भी आपको मिल जाता है आगे अंदर भी आपको दिखाऊंगा इसमें इंफरटेनमेंट सिस्टम कितना बढ़िया मिलता है बाकी गाड़ी की लुक्स तो एकदम बेस्ट लगती है मेरे को वॉशर आपको यहाँ पे मिलता है निशान ने मैग्नेट गाड़ी तो बढ़िया बनाई है उसकी वजह से थोड़ी चल रही है वरना फ्लॉप सी होने लग गई थी थोड़ी सी इस गाड़ी का आपको ग्राउंड क्लियरेंस टू के लगभग मिलता है टू हंड्रेड एंड फाइव एम यू के लगभग अब अंदर चलते हैं गाड़ी के गाड़ी बढ़िया बना दी लेकिन ये देखो वही पुराना वाला डोर पे आपको थोड़ा बहुत सॉफ़्ट टच मिल जाता है बाकी सिल्वर टोन भी मिल जाती है यहाँ पे चाइल्ड लॉक सेफ्टी चारों पावर विंडो मिलती है ऑटो तो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड वाली मिलती है एंड अनफोल्ड आप यहीं से कर सकते हो एडजस्ट भी यहीं से कर सकते हो फोल्ड अनफोल्ड अंदर से हो जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिकली सिल्वर में आपको डोर ओपनर मिलता है बाकी मैं बताता हूँ ना थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि स्कफ़ प्लेट्स ये भी बाहर से लगवा रही है लेदर की आपको शीट मिल जाती है इसमें रिगलाइन आप यहाँ से कर सकते हो एंड आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं, हैं इलेक्ट्रॉनिकली नहीं आता लाइट का ही आपको यहाँ पर मिल जाता है अभी मैंने एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ फिर आपको अंदर से बैठ के दिखा दो वो देखो भाई एम एल डी इसकी अलग अलग टाइप की मिलती है थोड़ी बहुत क्विल्ड में आती है ना वैसी मिलती है स्टेनिंग आपको जैसे मिलता है निशान का लोगो बीच में आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं साइड में बॉर्डर आपको सिल्वर मिल जाता है बाकी ये देखो लेफ्ट साइड में आपको टेकोमीटर राइट साइड में स्पीडोमीटर एंड फ्यूल गेज भी आपको वहीं मिल जाता है यहाँ से अपनी इन्फोटेनमेंट सिस्टम कर सकते हो बाकी ये देखो भाई आप बाहर से लगवाते हो ना एंड्रॉइड कंपनी आपको खुद से देख रही है देख लो इतनी महान बन चुकी निशान अब तो खरीद लो भाई इनकी गाड़ियाँ बाहर से लगवाने का कष्ट मत करना ये सोच रहे हैं हम खुद दे देते हैं हैंड ब्रेक ऐसे मिल जाता है गेर देखो वैसे तो पाँच गेयर आते हैं लेकिन उठा के ना इसमें रिवर्स ऐसे लगाना पड़ता है रिवर्स कैमरा में इसका इतना मज़ा नहीं है एकदम घटिया क्वालिटी का मिलता है बाकी पाँच गेयर आते हैं वैसे तो इसमें लेकिन देखो ऐसे उठा के और रिवर्स करना पड़ता है मैं तो पहले ये सोचा छः गेयर है इतनी छोटी सी गाड़ी में और ना ऑटोमेटिक आपको ए सी मिल जाता है ऐसे घुमाओ अपनी नोब ठीक है हज़ार लाइट कंट्रोल्स एंड लॉक एंड लॉक का आपको राइट में मिलता है या आपके डिफोगर का ए सीवेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं थोड़ा साइड में बॉर्डरिंग सिल्वर टोन की कर दी ग्लव बॉक्स भी आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है अपना खूब बढ़िया स्पेस दे रखी है कोई दिक्कत नहीं है देख लो आप खुद ही देखो सामान कितना अच्छा तरीके से रख रखा है बाकी आपको ड्राइवर साइड सनराइज में सिर्फ टिकट होल्डर मिलती है मेरे कुछ नहीं मिलता आई आर वी एम आपको वही मैनुअल मिलता है डे नाइट वाला कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है पैसेंजर साइड आपको हाँ मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट एंड ये देखो एडिशनल चीज़ें यहाँ पे लगा रखी है पाउच केबल लाइट आपको वह मिलती है येलो एलोजन वाली और तो कुछ नहीं है इसमें वाइट तो नहीं आती खैर और आपको ना यहाँ पे माइक मिलता है ऊपर की साइड एक चीज़ देखो भाई वैसे खतरा रहता है ना कि वारंटी का इसमें कुछ नहीं है कंपनी खुद से दे रही है आपको इसमें एंड्रॉइड बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिल जाता है उसके नीचे देख लो स्पेस दे रखी है थोड़ी सी बारावट का सॉकेट पर मिल जाता है आपको यहाँ पे टू कप होल्डर्स बाकी आप आमरेस देख रहे हो ये भी कंपनी देती थोड़ा अच्छा हो जाता बाकी तो आफ्टर मार्केट लगा रखा है वही बात है ना कंपनी देती तो थोड़ा अच्छा भी हो जाता मतलब फील भी अलग सी आती बाकी आफ्टर मार्केट तो आपको पता ही है वही कंफर्टेबल भी नहीं होता आवाज़ भी करता है बाकी ये भी हॉर्न सुन लो आप ये भी बाहर से लगवा रखा है ऐसा नहीं है ये कंपनी दे रही है बाकी फर्स्ट रो में तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है काफ़ी अच्छी मतलब ठीक ठाक ठीक ठाक तो नहीं बढ़िया एकदम कंफर्टेबल मिल जाती है पीछे की बार ही आती है पीछे टेस्ट करते हैं कितनी बढ़िया मिलती है कितनी नहीं आप खुद ही देख लेना प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ अपना खुद बैठ रहा हूँ पीछे की साइड देख लो स्पेस देखो भाई अभी भी इतना स्पेस बच रहा है एंड थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है वैसे तो फाइव सीटर लेकिन आपको चार हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल एक नहीं मिलता एंड आप रेस्ट भी नहीं मिलती पीछे की साइड आपको वो येल्लो लाइट मिल जाती है हेलोजन स्पेस तो मेरे को बढ़िया लगा गाड़ी में एक नंबर की गाड़ी है स्पेस के मामले में और प्राइस के मामले भी भाई बढ़िया है ठीक है निशान ने एक नंबर की गाड़ी बना रखी है ये अब कंफर्ट तो एक नंबर का गाड़ी में अब स्पेस भी चेक कर लेते हैं कितना कुछ मिल जाता है बाकी यहाँ पे टेल गेट पर आपको एक बटन मिल जाता है अगर गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ से खोल सकते हो पार्सल ट्रे मिल जाती है बूट स्पेस तो भाई गाड़ी में भर के मिलता है थ्री थर्टी सिक्स लीटर्स का बाकी पीछे एक साइड आपको वहाँ पे हुक मिल जाता है एक स्पेयर व्हील टेस्ट करते हैं आप देखो हल्का सा छेद दे रहा है एकदम तो उठाने के लिए ऑरेंज कलर का पता नहीं क्यों है स्पेयर व्हील बाकी स्पेयर व्हील आपको ऐसे नीचे जाके मिलता है ठीक है अपने यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है पकड़ के बंद कर लो अभी भाई गाड़ी तो अंदर से पूरी कंप्लीट हो चुकी है कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताना अभी ना एक चीज़ और रह रही है वो अपना हुड खोलना है आपको यहाँ आप ऐसा स्विच मिलता है उसको पुल करना पड़ता है अब बोनेट और खोल के दिखाता हूँ मैं आपको फिर इसके स्पेक्स भी बताता हूँ कैसे कुछ मिलता है ये देख लो भाई ऐसा कुछ इंजन मिलता मिलता है कवर नहीं मिलता, ओपन है पूरा इंसुलेशन के लिए आपको मिल जाता है यहां पे वैसे भी गाड़ी साइलेंट ही है ज्यादा वो तो नहीं है लेकिन हाँ बैटरी आपको राइट साइड में मिल जाती है हजार सी सी का में इंजन आता है थ्री सिलेंडर के साथ जो कि निकालता है अपनी नाइनटी एट बी एच पी विड्रेड एंड फिफ्टी टू एन एम टॉक बाकी अब अपनी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है बस इसमें लास्ट एंड ओनली एक चीज़ रह गई है वो है इसकी प्राइसिंग इसका बेस से टॉप लेके पूरा प्राइस बताता हूँ मैं एक बार स्टार्टिंग प्राइस है इसकी सिक्स लैक्स से लेके गए टेन पॉइंट नाइन्टी फोर लैक्स एंड जो आप ये वेरियंट देख रहे हो सामने एक्सेल इसकी प्राइसिंग है सिक्स पॉइंट नाइन्टी नाइन लैक्स ये ऑन रोड प्राइसिंग है इसकी बाकी इसी के साथ अपनी पूरी गाड़ी कंप्लीट होती है वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाय बाय